हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल। दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो हेल्दी है, नॉन वेज में, सॉरी वेज में। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो नॉन वेज में थी। ये स्प्राउट है, ठीक है। इसकी रेसिपी मैं कल बना दूंगा, कल मेरी वीडियो बन जाएगी, तो कल मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा इसकी। फिलहाल मैं इसकी बता देता कि इसके बेनिफिट क्या है खाने के, ठीक है। इसमें जो लुक वाइज आप चेक कर सकते हो, इसमें पनीर, सोयाबीन की जो दाल होती है वाइट वाइट, मुझे उसका अच्छे से नाम नहीं पता, वाइट ब्लैक चने, ठीक है, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, हरी दाल, ठीक है, और उसके बाद पाइन एप्पल, पनीर, सेब और अनार, ये काफ़ी कुछ डला होता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन का तो मैं इतना कहता नहीं, पर फाइबर बहुत होते हैं इसमें। ये भी खाने के लिए काफ़ी बढ़िया रहती है। ये क्या 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 काम करती है, खा लो बेटा। तो क्या क्या ये काम करती है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये हमारा ब्लड साफ करती है, ठीक है। क्या होता है कि केवल हम जब स्विमिंग करते हैं हमें इन्फेक्शन हो जाता है पानी की वजह से। इससे काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्विमिंग करते हैं थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाता है, मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके कारण हमें साइड इफेक्ट हो जाते हैं, या इचिंग होने लग जाती है, या फिर जुकाम खांसी हो जाते हैं, जो थोड़े साइड इफेक्ट रहते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है आपको, जो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में खानी चाहिए। जब ये खा लोगे उसके मात्र 2 घंटे बाद आपको वापस भूख लग जाएगी, क्योंकि ये इसको खाने से आपको भूख भी लगती है, ठीक है। ये नहीं कि खाने के बाद जब आपको लगेगा कि आप हैवी हैवी हो गए हो, पर उसके मात्र कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ भी मुझे और खाने की नीड है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ डलता है, जो भी डलता है उसकी रेसिपी मैं कल आपको वीडियो बनाऊंगा, तो कल मैं आपको एक टू जेड डिटेल बताऊंगा कि इसकी रेसिपी क्या है। फिलहाल इसके खाने के बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका फेस क्लीन करेगी, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं कईयों को, वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप हल्का सा नींबू भी निचोड़ सकते हो। इसमें नमक डलता है, काली मिर्च डलती है, हल्की सी चाट मसाला डलता है, ठीक है। ओवरऑल ये काफ़ी हेल्दी रहता है, ठीक है। पनीर में होती है, मैं बता दूँ, जिनको फैट नहीं चाहिए वो इसमें पनीर ऐड मत करना, जिनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिन्होंने फैट लूज़ करनी है तो उनको पनीर ऐड नहीं करना, अदरवाइज सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए इसमें आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा, अपना आयरन भी मिल जाएगी, ओवरऑल जो स्वीट कॉर्न है वो भी बढ़िया होते हैं। जितने भी है इसमें सारी कच्ची सब्जी डली हुई है, थोड़ी बॉइल्ड की हुई है। जो चने आपको क्या करना है, उसको रात को भिगो लेना है, जैसे कि स्विमिंग प्लेयर्स के लिए, या जो जिम कर रहे हैं, या फिर कोई भी गेम कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, एथलेटिक खेल रहे हैं, तो उनके लिए सारा हेल्दी है, ठीक है। इसकी ए टू जेड रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर आप घर में प्रिपरेशन नहीं करा सकते हो, आपको हेल्थ स्ट्रीट को लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इसका आप स्विगी पे भी ऑर्डर कर सकते हो और जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको घर बैठे बैठाए मिल जाएगा, पर ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के एरिया में, ठीक है। तो ये थी इसकी साइड डिटेल। मुझे बहुत जल्दी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप वेज पे भी वीडियो बनाओ। वेज पे ये स्प्राउट है, नॉन वेज वेज दोनों खा सकते हैं। इसमें काफ़ी तरह के आते हैं, एक नॉर्मल भी आते हैं जिसमें कि क्या कर सकते हो आप, कि जिसमें फ्रूट और पनीर इंक्लूड नहीं होता, वो थोड़े और लगते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसमें आप फ्रूट थोड़ा ज़्यादा डालना, जिसके कारण इसमें थोड़ा रसा रहेगा और आवाज, मतलब कि वो अच्छी आएगी, क्या कहते हैं, एक फ्लेवर अच्छा आएगा, जिसके कारण आपका जो खून है, जो बॉडी बॉडी है, वो फिल्टर अच्छे से कर देता है। ये जो इसमें रहते हैं ना, इसमें एप्पल, बाकी आप इसमें थोड़ा प्याज भी डालोगे, टमाटर भी डाल सकते हो, और इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है कि आप क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही डिटेल थी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चे खा रहे हैं, इनको लिए खाया गया। चिंटू करता है स्विमिंग, ये इस साल से स्विमिंग करना स्टार्ट करेगी, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इस साल से। और हाँ, अगर आपने मोबाइल आ गया है वीवो का V S1 Pro, अगर आप प्री बुकिंग मेरे से कराते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है स्प्राउट, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है पाइनएप्पल, ठीक है, ये है अनार, ठीक है, उसके बाद स्वीट कॉर्न, हरी दाल, चने, ठीक है, और आपको एप्पल मिल जाता है, ठीक है। ये पनीर मिल गया, पनीर ये जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ये है पनीर प्लस फ्रूट स्प्राउट, ठीक है। इसमें हरा सा धनिया डाला होता है काट के, ठीक है, प्याज डाले हुए हैं, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपने ये घर बनाना है तो इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की रेसिपी बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, जो कि मैं नॉन वेज की बनाऊंगा, ठीक है। तो इस आई होप कि आपको अच्छा लगा। और हाँ, इसमें जो सैलड बनता है उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, मतलब कि ये इसमें काफ़ी तरह की रेसिपी बनती है, पर ये अगर आपने मॉर्निंग में खाना है, खाली पेट खाना है, तो ये बेस्ट है, ठीक है।
इसके साथ अगर आपने पीना है पानी नहीं पीना, एक चीज़ बता दूं क्योंकि फ्रूट में और ऑलरेडी ही वाटर होता है, जो भी आप इसमें मटेरियल खा रहे हो सभी में पानी आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है जब हम ये खाने के बाद हम पानी पीते हैं तो जो बॉडी है वो एसिड ज़्यादा तैयार करती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें क्या हो जाता है कि वो जल्दी पच जाता है, बाद में हमें गैस बनने लग जाती है जो कि हमें बदहजमी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पेट हैवी हैवी लगता है। वो चीज़ इसीलिए होती है कि क्योंकि जब हम खा लेते हैं उसके बाद तुरंत आपने पानी नहीं पीना, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कोशिश की है कि आपको एक बढ़िया वो कर दूं, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी बना के बता दूंगा। बाकी इसके और भी काफ़ी बेनिफिट है, मैंने बस बेसिकली इसके ऊपर स्टडी नहीं की, पर ये आपको मेरे हिसाब से 200 ग्राम से इनफ रहता है। आप इसके हिसाब से जैसे ये 200 के आसपास ही है, 200 या 120 होगा, 200 या 220 के आसपास होगा, पर ये दो जनों के लिए इनफ है। अगर आप छोटी एज के बच्चे हो, चिंटू की एज के बच्चे हो, तो आप 150 ग्राम तक इजीली खा पाओगे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप 200 ग्राम भी ऐसे निपेट जाओगे, और इसको खाने के बाद आपको 2 से 1.5 घंटे या 2.5 घंटे के बाद आपको भूख वापस लग जाएगी, जिसके कारण आप कुछ भी हेल्दी खा सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आपने डाइट लेनी है तो आपने हमेशा 2-2 घंटे के बाद लेनी है, ठीक है। उसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप सपोज करो अपने 100 ग्राम आप जैसे मैंने फ़िश के ऊपर बनाई थी, आपने 100 ग्राम फ़िश खा ली तो उसके बाद आप 2 घंटे बाद आप सैलड खा सकते हो, ठीक है। फ़िश के ऊपर दूध नहीं पीते, ये बात याद रखना, ठीक है। पर दूध पीने से नुकसान नहीं होता, पर कईयों को कई ग्रुप होते हैं ऐसे जिसमें उनको नहीं वो सूट नहीं करता, जिसके कारण वो फिलवेरी हो जाती है, जैसे कि कई जगह वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसलिए अवॉइड ही करो, ठीक है। चाहे जो कुछ मर्जी कहते हो कि आपने फ़िश के ऊपर दूध नहीं पीना, इसके ऊपर आपने पानी नहीं पीना, मिनिमम आपने 15 से 20 मिनट तक इसके ऊपर पानी नहीं पीना। वैसे इसको पी के आपको प्यास लगेगी नहीं, ठीक है ना। पानी कोई लिक्विड चीज़ नहीं पीनी, क्योंकि अगर आप, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसमें अनार के दाने होते हैं, अनार के दाने को अगर दबाएंगे तो पानी ये गिरा ना, ये पानी ही होता है, ठीक है। पर ये आपको अगर आपकी बॉडी में खून कम है ना तो ये खून की कमी भी पूरी करता है। अनार की क्वांटिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा रखना, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने बनाना है तो 250-250 ग्राम सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो ज़्यादा भी डाल सकते हो, जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और इसमें आप कीवी भी इंक्लूड कर सकते हो, फ्रूट आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हो। बनाना अगर आप इंक्लूड करोगे तो थोड़ा ओड हो जाएगा, वो चिपचिपा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब नमक डालता है ना तो बनाना थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ना, पता होगा आपको। बस बनाना मत डालना, मेरे हिसाब से बनाना मत डालना, बाकी ओवरऑल ठीक है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो इसकी रेसिपी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोटीन की फिर से बना दूंगा, हैवी प्रोटीन, ठीक है। तो ये ओवरऑल जितने भी प्लेयर है सारे खा सकते हैं, जिम, एथलेटिक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो प्लेयर नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी खा सकते हैं। ये हेल्दी है, वेट लूज के लिए भी काफ़ी काम आता है, वेट लूज के लिए इससे पनीर हटा देना आपने, ये बात याद रखना। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और ओवरऑल नेक्स्ट मेरे इसी चैनल को सपोर्ट करते रहें। 50K सब्सक्राइबर हो गया है, ये काफ़ी अच्छा है। नए साल की बहुत बहुत मुबारकें आप सबको, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। और हाँ, टेक्निकल लवली मनी चैनल को भी सपोर्ट करो, उस पर भी जल्दी जल्दी हमने 50K सब्सक्राइबर करने हैं। तो थैंक यू, वॉच द वीडियो और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी को, ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियो देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत जल्दी इसकी रेसिपी की वीडियो भी आ जाएगी। थैंक यू, वॉच द वीडियो।